दोस्तों गुड मॉर्निंग, राधे राधे, जय श्री कृष्णा, सुप्रभात। आप सभी लोग जहाँ भी रहें स्वस्थ रहें, मस्त रहें, ये माता रानी से दुआ करती हूँ। सभी मेरे प्यारे भाई बहनों के लिए, माता पिता के लिए प्यारा भरा नमस्कार। और यहाँ देखिए कितनी धूप निकल आई। आज है दशहरा, दशहरा की सभी को हार्दिक शुभकामनाएं। यहाँ देखिए क्या हो रहा है, अरे अब बात चल रही है कहीं। और हम बनाएंगे खाना, खाने में देख क्या बनाएंगे, खाने में बनाएंगे फरी, ग्वार की फरी, नहीं ग्वार की फरी कहते हैं हमारे यहाँ पर। इन्हें बनाएंगे, इन्हें बना ला रहे, निकाल देंगे इसको। ये पेड़ में कायो कहते सूख गए पेड़ तो, गर्म पानी अब कुछ तो ना गर्म पानी ना डालो इसमें, कोई डालते हम बनाई सब्जी इसकी। ये ग्वार की फरी है, इनसे ग्वार की फरी कहते हैं। कल हम गए थे फरी रांधे, कल हमारे घर निकले सांप, सांप को बच्चा, मतलब सांप ही समझ लो, सांप बच्चा समझ लो, दिखा नहीं ब्लॉक में। हम लोग गए थे कल, कहाँ गए, खाटू श्याम खाटू श्याम मनोना धाम, मनोना धाम हमारे यहाँ पास बहुत में सुंदर मंदिर है, बहुत ही अच्छा। सभी किसी को आना है तो आ जाए, अगर किसी को आना हो तो आके देखे, बहुत सुंदर मंदिर है। और वो बरेली वाले रूट पे है, बरेली आंवला के बीच में, बहुत सुंदर धाम है। खाटू श्याम दूसरा स्थान है हमारे यहाँ पर, पहले वहाँ राजस्थान में, अब यहाँ बने को बहुत ज्यादा मानता है। और इतना बड़ा मंदिर बन रहा है, बहुत ज्यादा बहुत बढ़िया लग रहा है। हम बना ले सब्जी, बना लें निकाल लें, ना सही से निकी होती से निकाल दें, ना दांत में फंस जा दें, इस तरीका से कर लेंगे। उसके बाद दिखाएंगे क्या क्या करेंगे। और कुछ अब गए हैं गंगा नहाने के लिए सभी लोग, हम लोग घर पे रहेंगे। सब्जी जो मैंने बना ली थी तो उसके थे छिलका, तो वो हम चल रहे हैं बोरे पर डालने के लिए, क्योंकि बोरे पर डाल देंगे सारे छिलके, क्योंकि यहाँ नहीं डालेंगे कि बच्चों उठाते हैं तो फिर खुजली भी हो जाती है इनसे, तो इन्हें बोरे पर ही डालेंगे छिलके। और बस यहाँ हम आ गए, उसके बाद लेंगे कंडे, कंडे सारे हमने यहीं पर रख रखे हैं, जलाएंगे छिलके चूल्हा। यहाँ अब हम कंडा ले आए, कंडा ला के जलाएंगे चूल्हा, और धूप तो चली आ रही है, बस इतनी तेज़ धूप हो जाती है बहुत ज़्यादा। यहाँ बच्चे निकले भूंजे थे मक्का के भुंटा, मुझे भुंटा मंगाए थे खेतों से, तो वही भूंजे थे बच्चे, वो लोग बोल रहे थे मौसी जी भुंटा भूंज दो मक्के के, तो वही हम भूंजने लगे थे, क्योंकि शहर में तो नहीं मिल पाते हैं, जब मोल ले जाके तभी मिलते हैं, और गाँव में तो मिल जाते हैं, क्योंकि गाँव में तो हर किसी को ही है, जिसके खेत में नहीं होता हर किसी के पास होते हैं। और यहाँ हम बनाएंगे सब्जी, सब्जी यहाँ छोंक देंगे हम, ये सब्जी पहले छील बना के रख ली थी, बना ली थी, तो अब इसको छोंक देंगे, मसाले वाली छोंकेंगे यहाँ, तड़कन की नहीं बनाएंगे, बस तड़कन वाली बहुत टेस्टी बनती है। यहाँ मसाले की छोंक देंगे, हल्दी मिर्च मसाले सारे पहले ही तैयार कर ले हमने पीस के, यहाँ देंगे छोंक। अब इसी तरीका से बनाते हैं ज़्यादा हम सब्जी, बहुत ही खाने में टेस्टी लगती है।
शाम की रोटी बची हुई रखी थी तो हमने कहा खिलाओ, देखो कैसे मस्ती कर रहे हैं। क्योंकि शहर में इन्हें कोई भैंसे या गाय तो कहीं मिलती नहीं है देखने के लिए, तो यहाँ कर रहे हैं मस्ती। क्योंकि छुट्टियाँ पड़ गई हैं तो बस घूमने आए हैं और चले जाएंगे। यहाँ जाने यहाँ से बात जाएंगे पर नानी के यहाँ पर, जो हमारा मायका है वहाँ जाएंगे। इनका इनके ननसार है वहाँ पर ननहाल, क्योंकि छोटी सिस्टर है हमारी हमसे, तो इसीलिए यहाँ आई थी घूमने। और यहाँ आने के बाद अब जाएंगे वहाँ पर। ये लोग दिल्ली में रहते हैं, वहीं पर इनका मकान है, वहीं रहते हैं सभी लोग, पूरा परिवार ही वहीं रहता है। तो यहाँ हम सेकने लगे रोटियाँ, सब्जी हमारी बन के तैयार हो गई थी। सारा खाना बन गया था, जल्दी जल्दी बनाया था। तो यहाँ धुलने लगे बर्तन, क्योंकि धूप हो रही थी बहुत ही ज़्यादा, सभी लोग नहा लिए थे। तो बस हम बर्तन धुलेंगे, धुलने के बाद ही फिर हम भी नहाएंगे, क्योंकि जल्दी जल्दी हमने पहले खाना बना लो उसके बाद नहाएंगे। क्योंकि जो नहा लेता है भाई पूजा कर देता है, सुबह को ऐसा होता है जो भी पहले घर में नहा लेता है तो लड्डू गोपाल जी की पूजा हो जाती है। उसके बाद जो नहाता है तो अपने बाद धूप बत्ती वगैरह जलाते रहते हैं। सुबह को जो पहले नहाता वही करता है, कोई भी नहा ले, बच्चे नहा लें, उनके पापा नहा लें, हम नहा लें, कोई भी तो हो जाती है। यहाँ हम धुल के क्योंकि हम तो नहा लिए थे, उसके बाद कपड़े पड़े थे धुले हुए, धुल के पहले ही रखे हुए थे तो वो डाल रहे थे। क्योंकि कल गए थे वहाँ पर खाटू श्याम गए हुए थे तो वही कपड़े इकट्ठे हो गए थे धुलने के लिए, तो वो कपड़े धुले गए थे। तो हमने कुछ कपड़े उधर आंगन में डाल दिए थे, कुछ उधर डाल रहे थे। खाटू श्याम गए थे वहाँ, इतना अच्छा लग रहा था बहुत ही ज़्यादा, सभी की मनोकामनाएं पूरी होती हैं। तो पहली बार हम गए थे, देखते हैं क्या होता है क्या करते हैं। और दोस्तों जो लोग मेरे चैनल पर न्यू हैं प्लीज़ चैनल सब्सक्राइब करें और लाइक करें और शेयर करें और कमेंट में बताएं कैसा। शाम का टाइम हम बनाएंगे सब्जी, और सब्जी बनी है बेसन की सब्जी जो है मिंजनी, जो खाने में बहुत ही टेस्टी होती है और इनके लिए बहुत ही टेस्टी है सब्जी। तो भाई हम सब लोग वहाँ से रहे थे, बहुत ही मतलब ऐसे जोकरों वाली बातें कर रहे थे, बहुत ही हंसी मजाक की। हमने कहा था कि हम सब्जी नहीं देंगे, तो कह रहे थे मैं बर्तन ही उठा के रख लूँगा। हमारे यहाँ पर ये लोग जब घर में आ जाते हैं, बच्चे होते हैं तो चहल पहल होती है, बहुत ही अच्छा लगता है, घर भरा भरा लगता है। और सब लोग जाएंगे तो फिर घर तो सुना होना ही है, अच्छा ही नहीं लगेगा कुछ दिन, बहुत ही अजीब सा लगेगा। कई दिन हो गए इन सबको आए हुए। और यहाँ ये पगा मंगाया था हमसे कचरा खेत से, कचरा कहते हैं फूट भी कहते हैं, फूट कहते हैं जब पक जाती है, वैसे इसे कचरा ही कहते हैं। तो कच्चा वाला मंगाया था इन लोगों खान कर बोल रही थी कि कच्चा खाएंगे नमक मिर्च से लगा के, तो वही मंगाया था हमने खेत से। यहाँ बना रहे मैगनी,
मिंगनी को आप लोगों को बताया मिंगनी बनाई, तो इसी तरीका से बनाते हैं। ये थोड़ा सा तेल लगा के भून लेंगे। इसमें भूनने के बाद मसाले हमने पहले ही तैयार करके रखे थे सारे, और आटा भी मंगवा लिया था, तो आटा हम गूंद लेंगे। ये सभी छोंक देंगे, उसके बाद में आटा भी गूंद जाएगा, तो रोटियां साथ साथ जल्दी सीख जाएंगे, सब्जी बनेगी, तब तक आटा भी तैयार हो जाएगा। ये गूंद के रख दो तो फिर सही रहता है, 10-5 मिनट रखा रहेगा, कम से कम 15-20 मिनट तो आटा रखा रहना चाहिए। तो रखा रहने से आटा गूंदा हुआ तो अच्छा आटा हो जाता सही। तो यहाँ पर आ गई थी, बोल रही थी लाओ दीदी हम आटा गूंद देते हैं, आप रहने दो, आप सब्जी बनाओ, तब तक हम आटा गूंद देंगे। तो बोली साथ साथ करेंगे, जल्दी सारा काम हो जाएगा, अकेले तो काफ़ी देर हो जाती है। बोली बातें भी साथ साथ होती जाएंगी, तो यहाँ बातें करते जा रहे थे, काम भी होता जा रहा था। और कहाँ कोई साथ मिल पाते हैं, सालों हो जाते हैं कभी साथ नहीं होता है। अब कितने सालों बाद मिले हैं, सभी लोग इकट्ठा हुए हैं, इनके बच्चे जो खड़े थे वो देख रहे थे क्या कर रही हैं मौसी, क्या नहीं, कैसे बनाती हैं सब्जी, ऐसे ही सब लोग देख रहे थे खड़े थे, ऐसी बातें हो रही थी। और यहाँ देखिए इनके लिए बहुत हंसी आती है। और यहाँ सब्जी जल्दी फटाफट बना लेंगे, उसके बाद सेकेंगे रोटियाँ, फिर अंधेरा हो जाता है।